नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं ओपन चैनल 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में। यहाँ हमारी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजना पवार जी हैं, जिनसे हम कुछ खास मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। ये मुद्दे रहेंगे सफाई सैनिकों की सैलरी से लेके उनकी जिंदगी से जुड़े खास बातों के, जो खास ज्वलंतशील मुद्दे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सफाई सैनिक आज भी सरवाइव क्यों कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। अंजना जी, ओपन चैलेंज 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम कुछ खास ज्वलंतशील मुद्दों को लेकर आपसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। जैसा कि देश में सफाई सैनिक एक ऐसा सफाई सैनिक है जो देश की सभी सफाई से जुड़ी और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों में अपनी अहम भूमिका निभाता है, बावजूद इसके आज भी सफाई सैनिक सरवाइव कर रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सफाई सैनिक जो है फीवर में डेथ कर जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? ये मौतें कब तक होती रहेगी? और आखिर प्रोसेस में ऐसा है ही क्यों कि उन्हें आज भी फीवर में उतरना पड़ता है और अपनी जान को गंवाना पड़ता है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है कि आज भी देश में सीवर में डेथ हो रही है, एक्चुअली में ये इसलिए हो रही है कि अवेयरनेस की कमी है, जानकारी के अभाव में ये सीवर में डेथें हो रही है। हमारे देश में 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक एमएस एक्ट बना था, उसमें सीवर में किसी भी मानव को बिना किसी साधन संसाधन उपकरण के नहीं उतारना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। जो भी व्यक्ति इस तरह का कोई कार्य करता है या करवाता है तो उसको दोषी करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मृतक के या पीड़ित परिवार को आंशिक सहायता के रूप में 10-10 लाख रुपए दिए जाते थे और दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 10 लाख रुपए एक जान की कीमत नहीं है। हम उस परिवार को 10 लाख रुपए में नहीं पाल सकते हैं। आज के जो हालात हैं उसमें सीवर के जो एमएस एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट में संशोधन किया जाए। मैं अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश ऊपर तक पहुंचाना चाहूंगी कि इस एमएस एक्ट को थोड़ा सा इसमें बदलाव करके इसके आंशिक सहायता को बढ़ाई जाए और कड़ा कानून ये बनाया जाए कि उसमें चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे ठेकेदार हो, या जो भी व्यक्ति, चाहे आम नागरिक हो, अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होना जरूर चाहिए, ताकि ये मैसेज जाएगा कि इस तरीके का कोई कार्य किसी भी मानव से नहीं करवाया जाए। मैडम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज भी सफाई सैनिक महीनों तक अपनी सैलरी को लेकर जूझ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सैलरी समय से नहीं मिलती है। ये एक सफाई कर्मचारियों के लिए, इन स्वच्छता सैनिकों के लिए ये बहुत ही बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। पूरे देश में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जाता है, प्रत्येक देश के हर स्टेट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट में जाता है, लेकिन हर जगह जाता है यही समस्या सबसे पहले सामने आती है कि सफाई कर्मचारियों को सैलरी टाइम से नहीं दी जाती है। वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि इनका शोषण हो रहा है। सफाई में आप लोगों के चैनल से एक संदेश और, हमारे सम्माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं देश के, आप और हम जानते हैं वो इन इस वर्ग के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने प्रयागराज में जो उनके काम से खुश होकर उनको सम्मानित किया, उन्होंने बनारस के कॉरिडोर उद्घाटन के अवसर पर इन कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन किया। तो ये कोई एक मतलब वो नहीं है कि दिखावा है या ऐसा कुछ है, ये एक संदेश था जो प्रधानमंत्री जी देश के प्रत्येक नागरिक को देना चाहते थे कि ये जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, इसके प्रति हर एक इंसान, हर एक नागरिक अपने मन में संवेदना रखें। और इवन आप देखिए कि जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी का जो सबसे सर्वोच्च पद की शुरुआत जो करी थी वो स्वच्छ भारत मिशन से करी, और हम और आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन बिना सफाई कर्मचारी के और बिना इन स्वच्छता सैनिकों के
हम पूरा नहीं कर पाएंगे। जितना भी योगदान होगा वो इन सफाई कर्मचारी का होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पहुंचाना चाहूंगी कि सफाई कार्य नियमित कार्य है। जहां इंसान रहते हैं वहां सफाई की आवश्यकता होती है, चाहे छोटी जगह हो, चाहे बड़ी जगह हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, अस्पताल हो या कहीं घर हो, वहां सफाई की आवश्यकता रोज होती है। कहीं प्लंबिंग का काम नहीं है जो हमें कभी कभी आवश्यकता हो रही, ना ही कोई इलेक्ट्रीशियन का काम है जो हमें कभी कभी आवश्यकता होती है। तो मैं ये हाथ जोड़ के इन सफाई कर्मचारियों की तरफ से विनती करना चाहूंगी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि सफाई कार्य को कॉन्ट्रैक्ट प्रथा से छुटकारा दिलाया जाए, तभी इस जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ ये जो सामाजिक वर्ग है, ये कर्मचारी वर्ग है, इनका शोषण रुकेगा और उनकी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनकी भावना के अनुरूप हम इन्हें मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे, तभी सैलरी की समस्या भी हल हो जाएगी, इनका जो रहन सहन है वो भी हल हो जाएगा। और जैसा कि आयोग का एक कार्य होता है कि आयोग ये अध्ययन करने के लिए जाता है कि सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्पेंजर्स और उनके आश्रितों का हम आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर का कैसे हम उसका पुनर्वास करें, हम उनके स्तर को कैसे सुधारें, तो ये इस काम में हम तभी इसको सही तरह से कर पाएंगे, हम तभी इसमें सहयोग इनका कर पाएंगे जब हम इनको कॉन्ट्रैक्ट प्रथा से मुक्त करेंगे। देखिए आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते जो सम्मान मुझे यहाँ आकर मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद देऊंगी हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने मुझे इस कार्य को करने के लिए थोड़ी ताकत दी है, इन लोगों के लिए इनकी समस्याओं को सुनने और उसको समझने के लिए और ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो मुझे यहाँ बिठाया है। तो मेरा एक ही बात मेरी ये कहने की है कि देखिए इन लोगों के से संबंधित हमारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम एक बना हुआ है जिसमें सफाई कर्मचारियों और इनके आश्रितों के लिए कई प्रकार के लोन इनको दिए जाते हैं जो बहुत ही कम ब्याज दर पर दिए जाते हैं। और जो हमारा जो मकसद है कि इनको स्वरोजगार इनको दिया जाए, इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनका पुनर्वास किया जाए, ये इसमें बहुत ही बड़ा अपना योगदान करता है। इनको स्वच्छ रखने के लिए, इनको शिक्षित करने के लिए, इनको स्वरोजगार देने के लिए करोड़ों रुपए का ब्याज हमारे भारत सरकार का जो ये उपक्रम है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के द्वारा इन कर्मचारियों को मदद दी जाती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब अवेयरनेस होगी, जानकारी का अभाव होता है, इसीलिए ये कर्मचारी वर्ग इस करोड़ों रुपए के इस बजट को नहीं ले पाते हैं। गाड़ी के लिए लोन मिलता है, सैनिटरी मार्ट के लिए लोन मिलता है, एजुकेशन के लिए लोन मिलता है, महिलाओं के लिए लोन मिलता है, कई प्रकार के यंत्र वगैरह खरीदने के लिए लोन मिलता है, कई योजनाएं हैं जो इसके अंतर्गत चली आ रही है। तो मैं तो अपने उसमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखती हूँ, वहाँ मीटिंग में यही बोलती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन कर्मचारियों को इससे जोड़ा जाए और इनको ये इसका लाभ मिले। मैं सभी कर्मचारियों से भी एक और बात कहना चाहूँगी कि आप अवेयर बने, जानकारी रखें, अपने हित और अपने हकों के लिए उसका ध्यान रखें। उसको देखिए शोषण होता है तभी होता है जब खुद हम शोषण होने देते हैं। तो जानकारी रखिए और अपने हकों के लिए, अपने हितों के लिए लड़िए। आपकी बात ऊपर तक पहुंचाने का मेरा एक ये माध्यम है, तो मैं आप के चैनल के माध्यम से मैं ऊपर प्रधानमंत्री जी को ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रथा से सफाई कर्मचारियों को मुक्त किया जाए। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।